डिस्क में ये मार्किंग आ गई है, ये दिख रही है आपको, ये बोले तो कोई मतलब नहीं है सब पुरानी पीढ़ी का। देखो भाई पुराना वाला केबिन फिल्टर कितना गंदा हो रखा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कार्ड्रा इन्फो व्लॉग्स। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो बेसिकली आज का वीडियो जो होने वाला है यार, अपनी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई है। अभी हमने रिसेंट में सर्विस कराई थी तो इसमें एक चीज ये पता चला था जो हमने काम नहीं कराया है, वो है इसका डिस्क का और इसके बर्ड इसकी जो ब्रेक की डिस्क है फ्रंट की, वो उसमें थोड़े से स्वेल मार्क्स आ गए हैं। और दूसरा ये है कि अपने जो ब्रेक पैड है, जो अपने फ्रंट के ब्रेक है, उसमें कैलिपर भी जो है वो कट गई है। तो अपन अभी जाएंगे अपने नितिन भैया के जो एडवांस ऑटो कार सेंटर पे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, और बाकी देखेंगे इसको थोड़ा सही कराते क्या प्रोसीजर होता है, उसका डिस्क नई लगानी पड़ेगी या उसको मशीनिंग करके अपन लेथ मशीन में टर्निंग करके सही कर सकते हैं, और कैलिपर पिन का भी देखेंगे कि क्या रहता है। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चलिए अपन चलते पहले अपने गैरेज पे, एडवांस ऑटो कार पे। ठीक है डिस्क में अभी लाइनिंग आ रही नहीं। डिस्क में भाई ये मार्क्स बन गए, देखो ये लाइनिंग दिख रही है ना भाई ना, ये देखो डिस्क में ये मार्किंग आ गई है, ये दिख रही है आपको, ये अब ये मशीनिंग प्रोसेस होगी, उसको लैथ पे करेंगे तो फिर देखते हैं। और ये अपना कैलिपर वगैरह का है, बोले तो कोई मतलब नहीं है सब पुरानी पीढ़ी का, इतनी पुरानी है। ये टीवीएस का ग्रेस टीवीएस का है, रुक तो जा। ये क्या तू इसी के अंदर आता ना, एक तो पिन के अंदर ही आता ना। हाँ वो ग्रीस बेकार रहता है, थोड़ा गाढ़ा रहता है। देखो भाई पुराना वाला केबिन फिल्टर कितना गंदा हो रखा है, ये दिख रही है डस्ट इसमें एकदम गंदा। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे, कल अपन लोगों ने अपने काम किया था अपनी गाड़ी का, लगभग शाम हो गई थी, पूरा काम कराते जो अपन ने क्या क्या करवाया था, डिस्क की फेसिंग हुई थी और ब्रेक की कैलिपर चेंज, अपन ने कैलिपर पिन अपन ने नई चेंज करवाई है। अब इसमें एक चीज ये समझ में आई, ब्रेक की जो कैलिपर पिन है ना, लास्ट ईयर शायद बहुत जो हमने चेंज कराई थी उसमें लोगों के ये कमेंट आए थे कि आपका जो कैलिपर पिन का जो ग्रीस यूज किया आपने वो नॉर्मल वाला ग्रीस यूज किया है, जो कैलिपर पिन का स्पेशली जो ग्रीस आता है वो यूज नहीं किया। तो हो सकता है कि एक साल में गाड़ी की अपनी कैलिपर पिन वो कट गई या जो भी उसमें हुआ है वो ग्रीस की वजह से हुआ हो। तो इस बार मैंने बोला था कि जो अपने कैलिपर पिन है जिसमें अपन जो खरीदते हैं उसके साथ जो ग्रीस आया है तो वही वाला लगाए तो ज्यादा सही रहेगा, तो इस बार हमने वही वाला ग्रीस लगवाया। तो इस बार देखते हैं क्या फीडबैक रहता है,
और डिस्क की फेसिंग का ऐसा रहता है कि डिस्क अगर आपको रिप्लेस नहीं करना हो, जैसे कंपनी में यही होता है कि आपकी गाड़ी की जो डिस्क रहती है वो ये सारी चीजों का काम नहीं करते, वो आपको बोलेंगे कि आप डिस्क जो है आपकी रिप्लेस ही करनी पड़ेगी आपको। लेकिन वो ज्यादा टाइम और हम उसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा और किलोमीटर तक हम उसको डिस्क को चला सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि हमने इसको डिस्क को फेसिंग करा देते हैं, लेथ मशीन पे ले जाते हैं इसको और इसमें फेसिंग ऑपरेशन होता है जिसके अपन इसको डिस्क को वापस से रीयूज कर सकते हैं, रीफेसिंग हो जाती है। तो लगभग ये इसका जो चार्जेस हमने मतलब 500 रुपये के आसपास पूरा हो गया था अपने एडवांस ऑटो कार केयर सेंटर पे, सारी चीजें रही है। तो ये चीजें रहती है, अगर आपकी गाड़ी में ये चीजें प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये सब वीडियो था अपनी गाड़ी से रिलेटेड, अपना जो मैंने काम करवाया, तो आप लोगों को कुछ पता चला होगा इससे रिलेटेड। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।